देश के गृह मंत्री यहाँ पर आए, आपके बीच बैठकर खाना खाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? খুব আনন্দ হচ্ছে এই কথা ভেবে, মানে ভাবতে পারিনি জীবনে কোনোদিনও এইরকম একজন এইরকম উন্নতমানের মানুষ আজকে আমাদের এই মাটিতে, আজকে আমাদের এই বাড়িতে আসবে, গরিবের বাড়িতে আসবে, এবং আমরা যে রান্না করে তাকে খাওয়াতে পারবো এই শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে। মানে কালকে দুপুরবেলা আমরা যে শুনেছি তখন থাকতেই খুব আনন্দ হচ্ছে। কবি সোচা থাকি দেশ কা গৃহমন্ত্রী আপকে ঘর আকর খানা খায়েগা? ये बताइए, देखिए आप लोग महिलाएं घर में खाना बनाती होंगी, पति के लिए खाना बनाती होंगी, बड़े खुश होते होंगे। आज देश के गृह मंत्री के लिए आपने खाना बनाया, कैसा लगा उनको आपका खाना? बहुत अच्छा खाना भी उनको अच्छा लगा। ये भारी जो भीड़ है ये देखिए आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक हर कोने में आपको सिर्फ भीड़ नजर आएगी। आपको बता दें कि ये जगदीशपुर एरिया है जो कि कोलकाता के पास है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है एक रिक्शा चालक यहाँ खाना खाने आए हुए थे और वो यहाँ से अब खाना खाकर निकल रहे हैं। सर ये भीड़ सर वोटरों में तब्दील हो पाएगी? बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है। 3 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से आकलन है कि हम 63 से 68 सीट जीतकर बहुत बड़ी बढ़त तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पर बनाए हुए हैं। आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव बैनर्जी का प्रचार करने के लिए आया था। एक ही ग्राम पंचायत में मेरा दौरा हुआ, मगर जो अदम्य उत्साह राजीव को जिताने के लिए मैंने देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि राजीव जी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट पर कमल खिलाएंगे। और 2 मई को जब काउंटिंग होगी तो बंगाल के अंदर 200 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में और उनके बिहेवियर में तीनों दृष्टि से उजागर हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है। बंगाल की जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर विश्वास कर हमारे सोना और बांग्ला के नारे को समर्थन दे रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी के चरणों में भी इसी तरह से हम बढ़त बनाते हुए 200 के लक्ष्य को पार करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह अभी अभी यहां से निकले, उन्होंने कहा कि पार्टी जो है यहां पर एक बहुत मजबूती के साथ निकल कर आने वाली है और सीटें जीतने वाली है। आपको बता दूं कि यहां यह वो जगह है जहां पर अमित शाह जी अभी आए थे और यहां पर उन्होंने खाना खाया। इसके साथ ही आपको बता दूं यहां पर बैठकर उन्होंने खाना खाया जिसके बाद वो यहां से निकले हैं। यहां पर जिन्होंने खाना खिलाया उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम ये बताइएगा, अमित शाह जी यहाँ पर आए हुए थे, क्या क्या उन्होंने खाया? সব কিছুই খেয়েছেন উনি, খুব তৃপ্তি ভরে। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেমন খেলেন, বলছে খুব তৃপ্তি হয়েছে, রান্নাবান্না খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালোভাবে খেয়ে উনি গেছেন। আর এবারে এই দাদা আমাদের কাছে কেসা মহসুস হো রা হ্যায়, দেশ কে গৃহমন্ত্রী ইয়াহাঁ পর আয়ে, আপকে বীচ বৈঠকর খানা খায়া, কেসা মহসুস কর রহে হ্যায়? আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই কথা ভেবে, মানে ভাবতে পারিনি জীবনে কোনোদিনও এইরকম একজন এইরকম উন্নত মানের মানুষ আজকে আমাদের এই মাটিতে, আজকে আমাদের এই বাড়িতে আসবে, গরিবের বাড়িতে আসবে, এবং আমরা যে রান্না করে তাকে খাওয়াতে পারবো এই শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে। মানে কালকে দুপুরবেলা আমরা যে শুনেছি তখন থাকতেই খুব আনন্দ হচ্ছে। হিন্দি আতি হ্যায় ম্যাম আপকো? থোড়া থোড়া আতি হ্যায়। ঠিক হ্যায়, হিন্দি মে বতাইয়ে, কেসা মহসুস কিয়া জব গৃহমন্ত্রী নে আপকে ইয়াহাঁ বৈঠকর খানা খায়া? আমার বহুত আনন্দ হওয়া, লেকিন কাল দুপুর পর আমলোক সমঝে যে উনি আসবেন এবং আমলোককে রান্না খানা পাকানোকে লিয়ে বলা হ্যায় যে তুমলোক খানা পাকানো সব নিরামিষ হ্যায়, ইসলিয়ে আমরা খুব আনন্দ। আজ সুবে 8 বাজে তাক আমরা ইধার পশায়া, আমরা ঘর এ দু ঘর পর অন্দর হ্যায়, আমরা সব মিলজুল কর। চলিয়ে ঠিক হ্যায়, তো আপ বতা রহি হ্যায় কি বড়ে আনন্দ কে সাথ খানা খায়া, ইয়ে বতাইয়ে খানে মে ক্যা ক্যা থা, ইয়ে জো দিখ রহা হ্যায় ইয়েহি খায়া থা? হ্যাঁ, ভেজ ডাল হুয়া। ক্যা ক্যা থা স্যার, হিন্দি মে বতা সকে তো? দাল থি, চাবল থি, साग की चटनी बहुत अच्छी थी, परिमल बहुत अच्छा बना था, भिंडी आलू बहुत अच्छे बने थे और बहुत खाना उनको पसंद आया और बहुत खुशी से खाना खा के यहाँ से गए। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर गृह मंत्री भी आए हुए थे, यहाँ पर बैठकर उन्होंने खाना खाया और जिस तरीके से बता रही हैं, देखिए अंदर किचन भी दिखा देते हैं आपको। ये वो किचन है जहाँ पर खाना पूरा तैयार किया गया था, पूरा खाना बनाया गया था। ये वो व्यंजन है जो यहाँ पर रखे हुए हैं, इन्हीं व्यंजन को यहाँ पर गृह मंत्री ने खाया और उसके बाद वो यहाँ से गए हैं। ऐसे में अब
और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो शख्स भी मेरे साथ मौजूद हैं कि जिनके घर पर अमित शाह ने खाना खाया। ये बताइए, गृह मंत्री यहाँ पर आए थे, पहले कभी देखा था गृह मंत्री को इतने करीब से? देखा नहीं, पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। आज सीधा घर पर आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? भालो लागजे, बेस आनंद होच्छे, जे गरीब घरे एकजन एइछे ओते बड़े मंत्री, एछे आर की आनंद थाकबे। ये आपका घर है? हिंदी आती है आपको? हिंदी में बता सकते हैं? बांग्ला, सिर्फ बांग्ला आता है। ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? जे टाना बहन चलाई। क्या करते हैं जी? अच्छा, ये चलाते हैं आप? देखिए, ये चलाते हैं, जिनके घर पर अभी गृह मंत्री अमित शाह आए थे, वो इस रिक्शे को चलाते हैं। और इस रिक्शे को चलाने के साथ ही साथ वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? कब से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी को कोने पार्टी को ही ना। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये बता रहे हैं कि ये फिलहाल ये चलाते हैं, इस रिक्शे को चलाते हैं, डेली इस रिक्शे को ढोते हैं। कभी सोचा था कि देश का गृह मंत्री आपके घर आकर खाना खाएगा? नहीं, आप बताइए, कभी सोचा नहीं था कि देश के गृह मंत्री आएंगे? कभी नहीं सोचा था। अब ये बताइए, जब देश का गृह मंत्री खुद आपके घर पर आकर खाना खा रहा है, तो ऐसे में दिल में कितना प्रेम आता है? दिल में पूरा खा रहा करो, हमारे पास बोल लो, परिष्कार भावे कथा बार्ता बोल लो। अच्छा, चलिए, जाते जाते अपना नाम बता दीजिए, नाम क्या है पूरा? शिशिर साना। शिशिर साना, ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये देखिए, ये वाला रिक्शा मैंने जो आपको बताया, ये रिक्शा जो है वो चलाते हैं। ऐसा कि अभी गृह मंत्री ने सवाल तो नहीं लिए, लेकिन हाँ, उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने बताया कि पार्टी यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ सामने आने वाली है और पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी सीटें निकालने वाली है और उनकी जीत भी यहाँ पर तय है। आपको घर पूरा दिखा दिया, ये घर था, ये है दरवाज़ा। यहाँ पर सामने जो किचन नज़र आ रही है, इस किचन में खाना बनाया गया, जिसके बाद गृह मंत्री जो थे वो यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ पर आसन लेकर उन्होंने खाना खाया। क्या कुछ खाया उन्होंने, वो सब तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये वो रास्ता है जहाँ से गृह मंत्री बाद में, यहाँ से खाना खाने के बाद, जब उन्होंने खाना खाया, उसके बाद कई कुछ मिनट तक वो यहाँ पर बैठे रहे। कुछ मिनट तक बैठने के बाद ये वो खाना था जो वो खा के गए हैं। ये वो थाली है, इन थालियों में उनको खाना दिया गया था जो कि मिट्टी की बनी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर और भी अलग अलग व्यंजन थे। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ से गृह मंत्री जो है यहाँ से निकले, ये मंदिर है जिसके पास से गृह मंत्री यहाँ से निकले। यहाँ पर बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, हमसे भी बात की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी जो है यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ सामने आने वाली है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गृह मंत्री यहाँ पर आए, कैसा महसूस कर रही है? एक मामूली कार्यकर्ता क्या खाना खाया जो रिक्शा चलाते, इससे कितना मनोबल मिलता है कार्यकर्ताओं को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हमारा खाना हमने बनाया है। आपने बनाया था खाना? ये जो हम पांच। अच्छा, ये आप पांच लोगों ने खाना बनाया था? पहले से कोई कार्यक्रम तय होता है कि खाना कौन बनाने जा रहा है, ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि आप गृह मंत्री के लिए खाना बनाने जा रहे? नहीं पता था। पांच लोग सिलेक्ट किया हम लोग। अच्छा, पांच लोग सिलेक्ट हुए, कितनी खुशी होती है इस बात? बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये बताइए, देखिए, आप लोग महिलाएं हैं, घर में खाना बनाती होंगी, पति के लिए खाना बनाती होंगी, बड़े खुश होते होंगे। आज देश के गृह मंत्री के लिए आपने खाना बनाया, कैसा लगा उनको आपका खाना? बहुत अच्छा खाना भी उनको अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से आते हैं, और एक जैसा कि बोलते हैं ना भाजपा में कि अंतिम कार्यकर्ता को भी वो साथ में रखते हैं, अंतिम कार्यकर्ता भी उनका परिवार है, तो परिवार के स्वरूप में वो यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, कैसा मतलब कार्यकर्ता के होने पर आपको कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, मैंने सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। खाना बनाया था आपने, जैसा कि इन्होंने बनाया कि जब खाना बनाया था तब इनको नहीं मालूम था कि किसके लिए दरअसल वो खाना बनाने वाली है, लेकिन बाद में जब इनको मालूम चला कि उनका खाना गृह मंत्री अमित शाह ने खाया, तो इनके काफ़ी खुशी हुई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ से खाना खाने के बाद यहाँ से अमित शाह जी निकले, और फिलहाल ये इनके घर के बाहर जब हम आते हैं तो ये भारी जो भीड़ है, ये देखिए आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक हर कोने में आपको सिर्फ भीड़ नज़र आएगी। और आपको बता दें कि ये भीड़ जो है वोटों में तब्दील होती है कि नहीं होती है, ये बाद की बात है, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते हैं कि मताधिकार जो है इनका अधिकार भी है और इनका हथियार भी है, और 2 मई को इंसाफ हो जाएगी कि कौन जीतने वाला है। लेकिन ये जो हुजूम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो भीड़ यहाँ आपको दिख रही है, अगर ये वोटों में तब्दील होती है तो जीत निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने यहाँ पर बताया कि वो बहुत ताकत के साथ यहाँ पर जीतने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत देखने वाली होती है कि जब इतना बड़ा नेता एक मामूली कार्यकर्ता के यहाँ जब आकर खाना खाता है, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी बल मिलता है, और इस तरीके के साथ ही कार्यकर्ता जो है वो भी उत्साहित होते हैं, और ऐसे में कार्यकर्ता जो है उनके अंदर एक अलग से एनर्जी आती है, एक अलग से जोश आता है। तो ऐसा ही जोश भरने का काम आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया अपनी पार्टी के लिए। हमने आपको पूरी कवरेज बनाई, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।